जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आजकल तुम एक लड़का को ज्यादा ही वायरल देख रहे हो जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा। न्यूज वाले उसके ऐसे पीछे पड़े हुए हैं जैसे कि उनका बाप ही हो। ठीक है भाई, मेरा कहना ये है न्यूज वालों से, ये बताओ कहीं और ध्यान दो, इस लड़के के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो? ये अभी 8-10 साल या 11 साल का होगा, इस लड़के के पीछे न्यूज वाले हाथ धो के पड़े हैं कि इससे इनकी टीआरपी बढ़ेगी, इससे इनको सैलरी मिलेगी और इससे इनकी चैनल की ग्रोथ होगी। ठीक है, इस लड़के से इनके सारे इनके व्यू आएंगे चैनल वालों के जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं न्यूज का। तो भाई मेरा कहना ये कि इस लड़के को पीछा छोड़ो। आप लोगों की वीडियो मैंने देखी है कि इस लड़के के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हो ना जाने कैसी। कोई कह रहा कि आपको लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, कोई कह रहा कि कृष्ण जी का असली नाम बताओ, कोई कह रहा कुछ और कोई कह रहा कुछ। भाई मेरा सबसे कहना ये है कि ये लड़का इतना वायरल इसलिए हुआ, ये हिंदू अपने हिंदू धर्म को आगे लेके चल रहा, सबसे पहले राधे राधे बोलता है, ठीक है, और अपने धर्म को लेके चलता है। पहली बात ये, इसलिए इसके पीछे पड़ रहे। ये धर्म के लिए नहीं बोलता होता ना तो कोई भी न्यूज वाला आज तक इसके दौरे भी ना भटकता। पहली बात तो ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये रही, अब मैं बताता हूँ कि इसने तो कोई बड़ा पाप नहीं करा, कुछ भी किसी को गलत भी नहीं बोला, ना किसी को गाली दी, ना किसी कोई लड़की छेड़ी जो न्यूज वाले इसको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, इसको गुरुजी ने कुछ कह दिया। भाई देखो, सबका मन अलग अलग होता, गुरुजी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा उससे कोई नहीं है, उनका शिष्य मानो कुछ भी मानो, भाई सबको कह देते हैं। गुरु कहता नहीं है, चेला अपने शिष्य को कहता है या नहीं? गुरु कहता है ना। हाँ, तो अब दूसरी बात ये, कोई बात नहीं वहां से, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात ये, अभी हाल ही फिलहाल में मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी अक्षय कुमार की, जो दरगाह में जाके चादर चढ़ा रहा है, उसके पीछे तो कोई ज्ञान नहीं देगा सोशल मीडिया वाला या न्यूज वाला। आज तक किसी ने सुनी हो सोशल मीडिया द्वारा कि अक्षय कुमार गया मदरसे में यानी कि दरगाह पे चादर चढ़ाने? आज तक सुनी हो तुम बता दो। ठीक है, अब ये अक्षय कुमार की यहाँ बात आती है कि ये अपने हिंदू धर्म के लिए, जो अपने हिंदू धर्म को बुरा बोलता है ना उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे ये सोशल मीडिया वाले यानी कि न्यूज वाले। भाई कहना सीखो, तुम दोगले हो न्यूज वालों, तुम दोगले हो, सारे के सारे न्यूज वाले दोगले। ठीक है, मेरा कहना ये, इस लड़के को छोड़ो, अक्षय कुमार को पकड़ो जो वहां मदरसे में यानी कि दरगाह पर चादर चढ़ाने गया, और जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए ये कहता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से बढ़िया किसी गरीब बच्चे को पिला दो। अब कोई नहीं बोलेगा जब दरगाह पे चादर चढ़ाने गया अक्षय कुमार, अब नहीं बोलेगा। अब तो न्यूज वालों की भी ऐसी होगी जब भाई न्यूज वाले भी जब भी उनकी मुंह खोलती है जब अपने हिंदू धर्म का कोई विरोध कर रहा हो। ठीक है, जब कोई नहीं बोलेगा न्यूज वाला, जब हिंदू धर्म का कोई विरोध कर रहा हो तो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, और जो हिंदू धर्म को बढ़ा रहा हो उसके ऐसी करके घेर देंगे न्यूज वाले। भाई कहना मेरा ये है कि न्यूज वालों से थोड़ा सुधर के रहो, अपने देश के भाई तरक्की को देखो और देश के भाई देखो देश में क्या हो रहा क्या नहीं। भाई वो लड़का अपने धर्म को लेकर चल रहा है, इतनी पता, कोई कैसा भी कहता सही, मेरी तरफ से ना उसको फुल सपोर्ट है, और कोई जो कुछ जिस पर जो कुछ होवे ना वो उखाड़ लिए मैं बता दूंगा कि क्या हूं। ठीक है, साफ कहना, सुखी रहना, उस लड़के को न्यूज वालों से अलग कहते ही दूर रखो, उसके माँ बाप से भी कहना है यानी कि माँ से कहना है कि उस लड़के को न्यूज वालों के दौरे जाने नहीं मत दो। क्यों? न्यूज वाले अलग अलग तरह के सवाल पूछेंगे और उस लड़के की बेइज्जती करेंगे। ठीक है, और उस लड़के को नीचा दिखाएंगे, और हम जैसे हम अब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और बहुत से लोग भी अपना फेस नहीं दिखाते, वीडियो बनाते हैं उसकी बुराई को डालेंगे कि ऐसा है, इसको ये नाम नहीं पता, कृष्ण जी का असली नाम नहीं पता। ठीक है, ये सब करके सारे वीडियो बनाएंगे और लड़के की बहुत बेइज्जती होगी। मेरा कहना ये, लड़का ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है, उन दोगलों के तनिया नहीं है कि अपने धर्म का होकर धर्म का मजाक बनाते, वो अपने धर्म को संग लेके चल रहा और हमेशा लेके चलेगा। उसका सभी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है, उस लड़के का सभी साथ दे, ठीक है, जय श्री राम। और वीडियो भेज देना सबके पास, जो ये न्यूज वाले हैं ना इनके पास जरूर ध्यान करके शेयर कर देना वीडियो, इनको पता चल जाए कि अक्षय कुमार का तो कुछ नहीं, ये लड़का अभी 2-4 दिन में क्या वायरल होगा, इसकी ऐसी तैसी करने लग गए, वो भी सनातन को आगे बढ़ा रहा है, ये नहीं है कि किसी और को आगे बढ़ा रहा, अपने सनातन को आगे बढ़ा रहा। ठीक है, तो भाई वीडियो शेयर कर देना जितनी हो सके। जय श्री राम।